नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शंस में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। अब आपको पता है जीएस का सेक्शन बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, इसके अंदर करंट अफेयर्स भी आता है, इसके अंदर जनरल अवेयरनेस आता है, इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी, बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस, आईटी रिलेटेड क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स हैं इसके अंदर। और इतनी सारी चीज़ें पढ़नी होती है कि स्टूडेंट यहाँ पे गिव अप कर देता है कि यार बहुत सारे चीज़ें, इतना तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा और अब मेरे पास बहुत कम टाइम रह गया एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपेयर करने के लिए, तो मेरे को क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। तो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमने देखा है कि रिपीटेडली पिछले 5 सालों में लगातार इस टाइप के क्वेश्चन आंसर एंट्रेंस एग्जाम्स में आए हैं और ये इस बार भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे अवार्ड्स एंड इवेंट्स के बारे में। तो जीएस के सेक्शन के अंदर इसके की टॉपिक्स क्या होते हैं, ऑस्कर विनर्स आपसे पूछ लेंगे, नोबेल प्राइज विनर्स, ग्रैमी विनर्स, पद्म विभूषण किसको मिला था, इनके रिसिपिएंट्स के आपको नाम याद रखने पड़ेंगे कि किस पर्सन को ये अवार्ड मिला था। लास्ट 5 अवार्ड्स आप याद रख सकते हैं, नोबेल प्राइज़ तो आप ज़रूर याद रखना, पिछले साल किन लोगों को मिला था और इस साल किन लोगों को मिल चुका है, आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेडली एग्जाम में आते हैं, पद्म विभूषण, स्पोर्ट्स इवेंट एंड विनर्स देख लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में से क्या पूछा जाता है, नेम ऑफ प्रेसिडेंट्स आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि अभी तक कौन कौन से प्रेसिडेंट्स हैं जो रह चुके हैं, किसका लॉन्ग ड्यूरेशन था, किसका शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन था। नेम ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट्स पूछ सकते हैं आपसे, नेम ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स पूछ सकते हैं, नेम ऑफ गवर्नर ऑफ RBI, हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये पॉलिटिक्स में से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, अगर पॉलिटिक्स में पूछा जाएगा तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। हु इज़ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर जो मैंने यहाँ पे मेंशन करें ज़रूर एक बार आप चेक कर लेना, नोट्स बना लेना, आपके पास टाइम कम है मैं जानता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इनमें से कुछ टॉपिक्स भी कवर कर पाएंगे और वो आपके एग्जाम में आ जाता है तो ये वीडियो सक्सेसफुल हो जाएगी। गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज़ के बारे में बात करें तो फुल फॉर्म ऑफ CA एंड NRC आप देख लेना, फुल फॉर्म ऑफ ICMR, आर्टिकल 370, फुल फॉर्म ऑफ ASEAN, फाइनेंस बजट ऑफ 2021, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 से रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, फार्म बिल 2020, सबरीमल केस, प्रधानमंत्री जनधन योजना, व्हाट इज स्टैंड अप इंडिया स्कीम, और इस टाइप की जितने भी न्यू स्कीम्स लॉन्च करी है गवर्नमेंट ने, उन सब के बारे में आप पढ़ लेना और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि यार हर चीज़ नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन इन टॉपिक्स में से भी जो आपको लगता है कि भाई मेरे को ये पढ़ना चाहिए तो आप ज़रूर पढ़ना उसके बारे में। इसके बाद इकोनॉमिक्स एंड स्टेट्स एंड बैंकिंग के बारे में बात करते हैं, तो GDP ग्रोथ रेट क्या होता है, इंडियन रुपीज टू डॉलर रेट क्या होता है, सेंसेक्स एंड निफ्टी, फुल फॉर्म ऑफ बैंक्स, रेपो रेट, इन्फ्लेशन रेट, CRR, SLR, बैंक रेट, टॉप प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स आप देख लेना, इसके साथ साथ किस बैंक का क्या मोटो है, लोगो स्लोगन्स आप याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस एंड CEOs की बात करें तो रिलायंस, टाटा, विप्रो, अडानी एटसेट्रा, जितने भी बड़ी कंपनीज है, बड़े CEOs हैं, इनके बारे में आप बिल्कुल लिख लेना और नोट्स बना लेना, इनसे रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ आई है रिसेंटली मार्केट में वो आप एक बार चेकआउट कर लेना, बिटकॉइन, गेम स्टॉप एटसेट्रा, एलन मस्क एंड टेस्ला, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स एटसेट्रा, इन सभी कंपनीज के जो CEOs हैं, सोशल मीडियाज के जो CEOs हैं, इन सब के आप नाम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, टाइप्स ऑफ मेमोरी, बाइनरी कन्वर्जन, इस टाइप के क्वेश्चन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं। और IT रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, गूगल के फाउंडर कौन है, ट्विटर के फाउंडर कौन है, और जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं इन सब के फाउंडर्स के बारे में पूछ सकते हैं, फेसबुक कब लॉन्च हुआ था, और कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आती रहती हैं, कोई ऐप को लेके कोई न्यूज़ आती रहती है वो आप ज़रूर पढ़ा करो, और अभी तक आप इनके बारे में थोड़े बहुत पॉइंट्स गैदर कर सकते हो तो ज़रूर कर लेना। और मीडिया रिलेटेड अगर मैं आपसे बात करूँ तो अवार्ड्स आप याद कर लेना कि किस पर्सन को कौन सा अवार्ड मिला था, जैसे कि ग्रैमी और ऑस्कर के बारे में मैंने अभी स्टार्टिंग में बात करी थी, तो वो भी आप ज़रूर देख लेना। अवार्ड्स एंड इवेंट्स सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन में अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि मैं एक स्पेसिफिक कोर्स की बात कर रहा हूँ, जिसके भी एग्जाम के पैटर्न के अंदर जनरल अवेयरनेस लिखा है तो ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ हिस्ट्री में से मुगल्स एम्पायर्स के बारे में पूछ लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स कि
मैं पहले रैंक वन की सीरीज बना चुका हूँ कौन बनेगा रैंक वन, और उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ। उसके अंदर मैंने मुगल्स के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस कवर करें, जनरल नॉलेज के काफी सारे क्वेश्चंस करें, 200 के आसपास हम क्वेश्चंस इस पूरी सीरीज में कवर कर चुके हैं, वो आप जरूर देख लेना। इससे आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एक बोनस। बोनस क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें मैंने टोटल 50 फुल फॉर्म्स जो कि इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर रखी है। तो आप जितने भी ये फुल फॉर्म्स आप देख रहे हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार इन पे नज़र ज़रूर डाल लेना। ये फुल फॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप इनके एक बार गो थ्रू कर लेना, ये आपको काफ़ी यूजफुल लगेंगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स होपफुली ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी मैं कवर कर सकता था मैंने कवर करने की कोशिश करी है। आई नो कि कम टाइम में इतने सारे टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसमें से काफ़ी चीज़ें आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, और जो चीज़ नहीं पढ़ी है मैंने जो मेंशन करी है आप ज़रूर उसको जाके चेकआउट करें। फुल फॉर्म्स के लिए मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इस पीडीएफ का, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, और वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशनल कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू सो मच।